जय दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सभी के लिए रोज ये क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य में। आज अपन पढ़ेंगे प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, ये पीडीएफ मात्र 100 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 है, इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है और मात्र 100 रुपये की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि अज्ञे ने, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा या जगदीश गुप्त है। तो आपका बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नंद दुलारी वाजपेयी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नंद दुलारी वाजपेयी आप सभी का, रामेंद्र जी, MS वर्मा जी, कुलदीप जी, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, 2 में आप सभी लोग बताइएगा। प्रभाकर माचवे है, मुक्तिबोध है, रामविलास शर्मा है, अज्ञे है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का सही आंसर क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या है आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा ये। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक आप सभी के लिए बताना है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा, अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 में आप सभी के लिए बताना है प्रयोगवाद ज्ञान ज्ञात होगा, यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, वह कथन किसका माना जाता है, ये आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। ये कथन माना जाता है नंद दुलारी वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर बच्चन से, प्रभाकर माचवे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर, प्रयोगवाद ज्ञात ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, कथन किनका माना जाता है, ये आप सभी के लिए बताना है, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प, यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा। किनका कथन है, लक्ष्मीकांत वर्मा, राखी जी, बिल्कुल सही आंसर अनिल जी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, लक्ष्मीकांत वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद है, यह कथन किसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन से या फिर नंद दुलारी वाजपेयी, बताइएगा। प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद है, यह कथन किनका माना जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है सभी के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि डॉक्टर बच्चन से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। डॉक्टर बच्चन से जो है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, किस आलोचक ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य कहा है, वह आलोचक यहाँ पर चयन करना है, कौन से वह आलोचक है बताइएगा। गणपति चंद्रगुप्त हैं, डॉक्टर बच्चन से हैं, मुक्तिबोध हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है और 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 5 में, किस आलोचक ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य कहा है, तो वह कहा है गणपति चंद्रगुप्त जी ने। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गणपति चंद्रगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है,
कौन है भाई? भाई आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। रामविलास शर्मा जी हैं, नंददुलारी वाजपेयी हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, मोहन अवस्थी हैं, अर्चना जी, MS वर्मा जी, प्रिया जी, सभी के कमेंट देख रहे हैं। पंकज जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोग आंसर बता रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां पर आपके लिए लाइव क्लास की लिंक दे दी जाती है। और किसने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो नंद दुलारी वाजपेयी ने, किन्होंने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी, आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में प्रोय 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक है, यह कथन किसका है? साथ में आप सभी के लिए चयन करना है, अज्ञेय, प्रभाकर माचबे, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, किनका कथन माना जाता है, ये चयन करना है, बताइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में प्रोय 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक है, यह कथन किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कथन अज्ञेय जी का माना जाता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह, अज्ञेय जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या दिया गया है, आठवां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, ये राही नहीं अपितु राहों के अनवेशी हैं, यह कथन किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 दिया गया है, 8 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, बताइएगा। सीमा जी, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य या फिर अज्ञेय या फिर प्रभाकर माचबी, बताइए। ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, ये राही नहीं अपितु राहों के अनवेशी है, यह कथन किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है और 8 में आप सभी का सही आंसर है, ये कथन माना जाता है सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह, अज्ञेय जी का, अज्ञेय जी का ये कथन माना जाता है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह, अज्ञेय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत कौन सा है? तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951 या फिर तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1978, ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए असंगत बताना है, असंगत कौन सा है? भावना जी चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, चौथा सप्तक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये 1879 माना जाता है, इसका प्रकाशन जो चौथा सप्तक है इसका प्रकाशन 1879 सॉरी 1979 है, ये 78 नहीं माना जाता है, 1978 नहीं 1979। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से असंगत बताइएगा, असंगत चयन करना है, गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि है, हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक, मदन बादशाह तीसरे सप्तक और प्रयाग नारायण त्रिपाठी चौथे सप्तक, बताइएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए असंगत बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर असंगत है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, निशा रानी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर हर्ष जी सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, प्रयाग नारायण त्रिपाठी चौथा सप्तक, ये वाला विकल्प जो है ये सही नहीं है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर असंगत विकल्प बताना था, तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में शामिल रचनाकार नहीं है, हरि नारायण व्यास, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा या फिर प्रभाकर माचवी, तार सप्तक जो कि 1943 में जिसका प्रकाशन हुआ था, अज्ञेय जी जिसके संपादक थे, तार सप्तक में शामिल रचनाकार नहीं है, बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, कौन शामिल नहीं है?
11 में आप सभी के लिए बताना है तो हरि नारायण व्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। कौन नहीं है? हरि नारायण व्यास आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हरि नारायण व्यास किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? अगर ये सप्तक के कवि हैं किसी सप्तक के तो कौन से सप्तक के कवि हैं कमेंट में बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से तीसरे सप्तक में शामिल रचनाकार नहीं है। कौन से तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है ये बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर राजेंद्र किशोर? ये आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 12 दिया गया है और 12 में आप सभी का यहां पर क्या है सही आंसर, 12 में आपका डी वाला विकल्प राजेंद्र किशोर जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ए जो है तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, चौथा सप्तक में शामिल रचनाकार नहीं है। कौन से रचनाकार चौथे सप्तक में शामिल नहीं है बताइएगा, अवधेश कुमार या फिर श्री राम वर्मा, नंदकिशोर आचार्य या फिर विजय नारायण शाही? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 13 चौथा सप्तक 1979 में जिसका प्रकाशन हुआ था 1979, और इसमें कौन शामिल नहीं है ये चयन करना है, कौन से वह रचनाकार हैं ये आप सभी के लिए यहाँ बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 13 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, विजय देव नारायण शाही जी जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ये चौथे सप्तक में शामिल रचनाकार नहीं बताना है तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा कौन सी प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। और 14 में आप सभी का सही आंसर क्या है बताइए, तो आप सभी का यहां पर डी वाला आशावादिता, आशावादिता जो है ये आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। आशावादिता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है, ये प्रयोगवाद की विशेषता नहीं मानी जाती है, आशावादिता। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया 15, नज्ञे के जन्म और निधन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, इनका जन्म है कब हुआ और इनका निधन कब हुआ? 1907, 1987, 1911, 1987, 1910, 1987, 1908, 1987, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अज्ञेय के जन्म और निधन वर्ष में आप सभी के लिए बताना है क्या माना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर इनका जन्म हुआ था 1911 में और निधन हुआ था 1987 में। तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, यज्ञ को किस रचना के लिए 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वह रचना यहाँ पर बताना है, कौन सी वह रचना है? आंगन के पार द्वार है, अरि ओ करुणा प्रभामय है, कितनी नाव में कितनी बार या फिर इत्तलम? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी वह रचना मानी जाती है, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां पर दिया गया है, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है क्या है सही आंसर, अज्ञेय जी के लिए किस रचना के, अज्ञेय जी को किस रचना पर 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है अज्ञेय जी को, और वह रचना मानी जाती है कौन सी? आप सभी का 16 में सी सही आंसर है, कितनी नाव में कितनी बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, कितनी नाव में कितनी बार।
बहुत बड़ी अज्ञेय जी की ये रचना मानी जाती है। अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1964 ईस्वी में। किस रचना पर मिला है? हरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, या फिर कितनी नाव में कितनी बार? बताइएगा, चयन करिएगा। अभी जी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि अज्ञेय जी को किस रचना के लिए 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वह रचना आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो विकल्प नंबर यहां पर आप सभी का यहां पर सही आंसर है डी वाला विकल्प, आंगन के पार द्वार। क्या है सही आंसर? आंगन के पार द्वार आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। डी नहीं, बी वाला विकल्प, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर। कितनी नाव में कितनी बार के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, किस प्रयोगवादी रचनाकार को बेस्टी चेतना का कवि कहा जाता है? बताइएगा, वह कौन से प्रयोगवादी रचनाकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर अज्ञेय हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, मुक्तिबोध हैं? 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तन्मय जी, सतीश जी, और किस प्रयोगवादी रचनाकार को बेस्टी चेतना का कवि कहा जाता है? बेस्टी चेतना का कवि कहा जाता है किसके लिए? 18 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कहा जाता है किसके लिए? अज्ञेय जी को। अज्ञेय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 19वां क्वेश्चन है कि बताने अज्ञेय जी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, दीपक। 19 में सही आंसर चयन करिएगा, कौन सी वह रचना है? कुलदीप जी बताइएगा, कौन सी वह रचना है जिसका संपादन अज्ञेय ने नहीं किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 में, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर दीपक होगा सही आंसर। दीपक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दीपक यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाकी विशाल भारत, दैनिक, दिनमान, विशाल भारत, सैनिक और दिनमान, ये तो सभी का संपादन किया अज्ञेय जी ने, लेकिन दीपक का नहीं किया। दीपक आपका सही आंसर है, डी वाला विकल्प है। निम्नलिखित में से अज्ञेय का कहानी संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर 20 में चयन करना है। इत्तलम है, सागर मुद्रा है, जयदोल है, रूपांबरा है। कहानी संग्रह पूछा गया है 20 में, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। लाइक करते जाइएगा और सभी लोग शेयर भी करते जाएं, क्लास को बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर क्या है सही आंसर? यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, अज्ञेय का कहानी संग्रह पूछा गया है तो वह माना जाता है जयदोल। कौन सा माना जाता है? जयदोल आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जयदोल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनका जन्म और निधन वर्ष बताइएगा। इनका जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था? 21 में बताने, इनका जन्म 1914 में, निधन 1985, 1917, 1985, 1923, 1985, 1922, 1985। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र के जन्म और निधन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या माने जाते हैं? ये आप सभी लोग चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इनका जन्म हुआ था कब हुआ था इनका जन्म? आप सभी का सही आंसर 1914 में इनका जन्म हुआ था, और 1985 में इनका निधन हो गया था। विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1914 में इनका जन्म हुआ था और 1985 में इनका निधन हो गया था।
1914, वो कहीं कहीं आपके लिए 1913 देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 14 दिया विकल्प में। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, ये बताना है। टूटने का सुख है, पृथ्वी कल्प है, कमल की फूल या प्रत्यूष की आग, बताइए क्या है आप सभी का सही आंसर। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं, बताना है कौन सी नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर 22 में सही आंसर होगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 22 में, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। पृथ्वी कल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, पृथ्वी कल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है पृथ्वी कल्प, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी वह रचना है बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है बताइएगा, वह कौन सी रचना है। ये मेरे कोहरे हैं, बुनी हुई रस्ती, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, ये यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 दिया गया है और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बुनी हुई रस्ती बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 24वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, गिरजा कुमार माथुर जी जो है इनका जन्म और निधन बताना है, इनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था, ये चयन करिएगा गिरजा कुमार माथुर जी का बताइएगा, चयन करना है सभी के लिए। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म और निधन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 दिया गया है और 24 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प है, इनका जन्म हुआ था 1918 में और निधन हुआ था 1994 में, तो विकल्प नंबर क्या है सही आंसर, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया गया है, 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, निम्नलिखित में से गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है बताइएगा, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण, साक्षी रहे वर्तमान या फिर इदम नामम, बताइए वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी वह रचना है जो गिरजा कुमार माथुर की नहीं मानी जाती है, नहीं पूछा गया आप सभी से। तो 25 में सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इदम नामम, इदम नामम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, इदम नामम आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मंजीर के लिए, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, मैं भक्त की हूँ सामने, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, माथुर जी को किस रचना पर 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अपन ने अभी जो है एक दो दिन पहले ही पढ़ी थी अपन ने, साहित्य अकादमी पुरस्कार की किस रचना पर कब पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी, तो वह वीडियो आप देख लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है चैनल पर मिल जाएगी, गिरजा कुमार माथुर को निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैं भक्त की हूँ सामने कब मिला है 1991 में, तो 1991 सन भी याद आप सभी के लिए रखना है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कविता को अज्ञेय के जीवन का मूल दर्शन कहा जाता है, वह कविता आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, हरी घास पर क्षण भर, नदी के दीप, कतकी कूनो या फिर कलगी बाजरे की, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 27, 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, लाइक शेयर करते जाइएगा सभी लोग, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, और किस कविता को अज्ञेय के जीवन का मूल दर्शन कहा जाता है,
भाई कविता आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नदी के दीप। क्या है सही आंसर? नदी के दीप आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नदी के दीप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, अज्ञेय जी की रचना है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 28वां क्वेश्चन है कि अंततः सलिला और चक्रांत सला असाध्य वीणा अज्ञेय के किस काव्य संकलन के भाग माने जाते हैं? 28 में बताना है आंगन की पार द्वार, या फिर कितनी नाव में कितनी बार, या फिर भग्न दूत, या फिर इत्तलम। 28 में सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? अंतःशिला और अंतःशलिला और चक्रांत शिला, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस काव्य संकलन के भाग हैं? तो सही आंसर होगा आंगन के पार द्वार होगा सही आंसर। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर है, आंगन के पार द्वार के भाग मानी जाती है, ये विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्व को, इस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है, कथन किसका है? 29 में आप सभी के लिए यहां पर बताना है मुक्ति बोध, प्रभाकरमाचबे, अज्ञेय या फिर मोहन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 दिया गया है, 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ये कथन जो दिया गया है किनका कथन माना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर अरविंद जी, कल्पना जी, सलोनी जी, दीपक जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, अज्ञेय। अज्ञेय जी का ये कथन माना जाता है, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है, यह कथन किसका माना जाता है? 30 में आप सभी के लिए बताना है रघुवीर सहाय, धर्मवीर वाती, या फिर गिरजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 30 में, ये कथन किनका माना जाता है ये बताना है गौरव पंडित जी। तो आप सभी का सही आंसर है रघुवीर सहाय जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है, रघुवीर सहाय। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, रघुवीर सहाय का ये पंडित, रघुवीर सहाय जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। और धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग, अंधा है युग धर्म के बिना, याद किया था ना, अंधा है युग धर्म के बिना, तो धर्म के बिना यानी कि अंधा युग से अंधा युग हो जाएगा धर्म के बिना, दो धर्मवीर भारती की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर 31 में चयन करना है, क्या माना जाता है? 1951, 1952, 1953, 1954, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बताइए? धर्मवीर भारती की रचना अंधायुग का प्रकाशन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1954 माना जाता है, 1954 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 32वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर ये रहा, देखिएगा यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, कितना अच्छा था छायावाद, एक दुख लेकर एक गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवाद, हर दुख का कारण पहचान लेता था, किस प्रयोगवादी रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती है? 32वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां दी गई हैं और किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो धनवीर भारती भारती होंगे यहाँ पर, धनवीर भारती या फिर मुक्ति बोध है, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रघुवीर सहाय जी जो है उनकी बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, रघुवीर सहाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर अगला क्या दिया क्या है, देखिएगा, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख,
और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? 33 में चयन करिएगा, बताइए। ये पंक्तियां तो अपन ने कई बार पढ़ी है तनु जी, किन की पंक्तियां मानी जाती है? प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कुंवर नारायण, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, केदारनाथ सह। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत ही कम लोग जुड़ने लगे हैं। क्या है ये बात, क्लास में सभी लोग जो है जल्दी से शेयर भी करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर क्या है सही आंसर? भवानी प्रसाद मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बाघ किसकी लंबी कविता है? बाघ लंबी कविता किन की मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। बाघ किसकी लंबी कविता मानी जाती है? चयन करिएगा, केदारनाथ सिंह, केसरी कुमार, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर दिया गया है, सॉरी 34 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बाघ किसकी लंबी कविता मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, केदारनाथ सिंह। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, केदारनाथ सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 35वां क्वेश्चन है, क्या दिया है? मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, मूछों में दबी बारीक सी हंसी, हंसी के पीछे कविता का राज, और कविता के राज पर हंसती हुई मूछें। किस प्रयोगवादी रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती है? ये आप सभी के लिए बताना है, 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताइएगा, चयन करिएगा, केदारनाथ सिंह, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पैंतीस में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 35 में आप सभी का सही आंसर है केदारनाथ, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, केदारनाथ से जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, केदारनाथ से है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं सभी, सीना फुलाए, ये किस रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा विकल्प 36 में सही आंसर होगा? चयन करना है आप सभी के लिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है, और 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानना है, कौन सा युग्म असंगत है? अनामतम आती हो भवानी प्रसाद मिश्र, वनपाती सुनो नरेश मेहता, जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और जमीन पक रही है धर्मवीर भारती। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, असंगत युग्म पहचानना है, कौन सा युग्म असंगत है? मुकेश जी, रंग बहादुर जी, साधना जी, दिनेश जी और माई जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जमीन पक रही है धर्मवीर भारती, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, धर्मवीर भारती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल दीपक जी, धर्मवीर भारती आप सभी का सही आंसर। असंगत युग में पहचानिएगा राखी जी, असंगत युग में कौन सा है ये यहाँ पर चयन करना है, खुशबू के शिलालेख कुंवर नारायण, बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता, अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ से, स्वप्न भंग प्रभाकर माचवी। 38 में आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा विकल्प सही आंसर? असंगत युग में पहचानना है, चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, बताइएगा। असंगत युग में कौन सा है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 खुशबू के शिलालेख है कुंवर नारायण, आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, अनवी जी, सीमा जी, कुंवर नारायण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है आप सभी का 39वां क्वेश्चन है, कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, 39 में चयन करना है, नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल, त्रिलोचन, अज्ञेय, क्या होगा सही आंसर? उनतालीस में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है, कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, तो अज्ञेय आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है, अज्ञेय जिन्होंने भी यहां पर चयन किया है उनका यहां पर सही आंसर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो है उन्हीं का एक कथन माना जाता है, उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती है, इनमें से आपके लिए बताना है नरेश मेहता की रचना नहीं है, चैत्या नहीं है, संशय की एक रात, अरंडिया या फिर काट की घंटियां, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां पर दिया गया है, कल्पना जी क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर है और 40 में आप सभी के लिए बताना है नरेश मेहता की रचना नहीं है बताना है, चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 40 में सही आंसर तो आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है, काट की घंटियां, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, काट की घंटियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अमित जी ये किन की रचना मानी जाती है आप कमेंट में जरूर बताएंगे, काट की घंटियां ये रचना नरेश मेहता की तो नहीं मानी जाती है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, काट की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मानी जाती है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस प्रयोगवादी रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती हैं, 41 में बताना है केसरी कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय या फिर केदारनाथ सहे, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, बताइएगा किस प्रयोगवादी रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र आप सभी का सही आंसर, अपन ने याद किया था ना कि भवानी के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं भवानी के गीत बेचता हूँ, तो भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र तरह तरह के गीत बेचता हूँ, अज्ञेय की रचना सब रंग की विधा क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है, 42 में बताना है काव्य संकलन है, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध संग्रह, क्या होगा आप सभी का सही आंसर, अज्ञेय की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना सब रंग की विधा क्या है, ये विधा आप सभी लोग सही आंसर यहाँ पर चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये निबंध संग्रह माना जाता है, क्या माना जाता है, निबंध संग्रह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, निबंध संग्रह जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है, मछली घर, साखी, छठवा दशक, संवाद, तुमसे, ये किसके काव्य संग्रह है, 43 में बताना है हरि नारायण व्यास, नलिन बलोचन शर्मा, विजय देव नारायण शाही, नरेश मेहता, तो 43 में आपका क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है, मछली घर, साखी, छठवा दशक, संवाद, तुमसे, ये किसके काव्य संग्रह माने जाते हैं, हाँ अनिल जी बिल्कुल विजय देव नारायण शाही आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा, विजय देव नारायण शाही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, बंदी स्वप्न हिये हारिल वंचना के दुर्गे मिट्टी की ईहा, ये चार खंडे अज्ञेय की किस रचना की है, भग्नदूत, इतलम, हरी घास पर क्षण भर या इंद्र धनुष रौंदे हुए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 44, सुभा जी बताइएगा 44 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये देखिएगा बंदी स्वप्न ही हारिल वंचना के दुर्ग और मिट्टी की हा, ये चार खंड अज्ञेय की किस रचना की है, तो इतलम आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा, मुक्तिबोध की रचना चांद का मटेड़ा है, कोकिस आलोचक ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है, वह आलोचक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन से आलोचक अज्ञेय हैं, बनारसीदास चतुर्वेदी, नामवार साईं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आज का चैलेंज प्रश्न यही है जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे,
क्या होगा आप सभी का सही आंसर। और आप सभी लोग बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि ये क्लास जो है 10 बजे जो अपनी क्लास होती है 9 बजे रात्रि में, 10 बजे की जगह रात्रि में 9 बजे ही जो है 9 बजे शुरू करी जाए, इस क्लास को की जाए। तो आप कमेंट में बताइएगा जल्दी से सभी लोग, फिर कल से विचार करते हैं, अगर बनता है तो 9 बजे से ही इसको स्टार्ट करेंगी। जब तक दूसरी क्लास वो वाली क्लास अभी 9 बजे वाली बंद है तो इसको 9 बजे अभी जो है शुरू कर देते अपन। क्या बोलते हैं जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताइएगा। और हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है तो ये पीडीएफ आप सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध है, मात्र 100 रुपये की पीडीएफ है। 3000 प्रश्न है इसमें, 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है तो उस पर संपर्क करिएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा और सभी लोग बताते जाइएगा। कोई बोल रहा है 9 बजे ही सही, 9 बजे सही रहेगी, कोई बोल रहा है 10 बजे ही सही है। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें, कल आप सभी के लिए बता देंगे सभी वाली क्लास में कितने बजे अपनी जो है क्लास होगी। तनु जी, रंग बहादुर जी, अंजलि जी, अभी जी, शोभा जी और वंदना जी, पंकज जी, दिनेश जी, भावना जी, अंशु जी, ममता जी, सुनैना जी, अमित जी, राखी जी, दीपक जी, अभी जी, तनु जी, साधना जी, प्रियंका मिश्रा जी और दिनेश जी, कृष्णा जी, अरविंद जी, अस्मित जी, दीपक जी, वंदना जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अनिल जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी जी, जय हिंद।